अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज यामा जुनून यूरो 2, यामा जुनून यूरो 2 है। इसका कार्बोरेटर के आपको सेटिंग दिखा रहे हैं। ये कार्बोरेटर खोल रहे हैं अभी, आज फिर मैं उस्ताद यूसुफ के पास आया हूँ। कार्बोरेटर ये खोल रहे हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हुई हुई है। ये इसकी एक्सीलेटर केबल है, चोक है, ये चोक आप देख रहे हैं इसकी, ये जदीद किस्म की चोक है। ये भी इसकी स्क्रू ड्राइवर से, जो इसके स्क्रू होते हैं तीन लगे होते हैं, चार स्क्रू होते हैं, 1 to 5 के तीन होते हैं और 70 के दो होते हैं। तो यामा जुनून जो है ना यूरो 2, इसके चार लगे होते हैं। इसका कार्बोरेटर भी थोड़ा सा अजीब किस्म का होता है, तो सामान सेम ही होता है, फ्लूट वगैरह जेट वगैरह वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े से शेप उनकी चेंज होती है। तो अभी दिखाएंगे आपको अंदर का नज़ारा इनका। ये देखिए कार्बोरेटर के अंदर कितने कचरा है, कितना ज़्यादा ये मिट्टी वगैरह है। तो ये मिट्टी जो है ना, ये छोटे छोटे जेट होते हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं, ये फ्लूइड जो बाहर आ रहे हैं और न्यूट्रल वाल इसके साथ है। अब ये जेट वगैरह बाहर आएंगे इसके, ये स्लो जेट है, स्लो जेट होता है। ये बंद हो जाए, इसमें कचरा आ जाए तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है। और ये पेट्रोल जेट है इसका, पेट्रोल जेट मेन जेट है इसका, ये इसका जैन होता है ताकि जो इसका लीकेज ना हो। और मिक्सचर स्क्रू, ये मिक्सचर स्क्रू है, साथ में इसके स्लो एडजस्ट है और ये पेट्रोल वाला मिक्सचर है, ये भी खोलना ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं, ब्रेक लगा दें, ये इसे पेट्रोल के साथ इसकी जो मिट्टी वगैरह है अंदर की, वो इसे पेट्रोल लगा के फिर इसको हवा का प्रेशर दिया जाएगा, ये इसे हवा का प्रेशर दिया जा रहा है ताकि इसके अंदर जितने भी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह जो कचरा होता है जो फ्यूल टैंक के ज़रिए इसके अंदर आके रुक जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इसके स्टार्ट होने में और काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा होता है। तो ये हवा के प्रेशर से वो सारी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह जो वो निकल जाती है। अब फिटिंग का जो मरहला वो शुरू है, अभी आपके सामने ये जेट वगैरह जो इसके अंदर लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले स्लो जेट फिट किया जाएगा, ये आपके सामने है, ये स्लो जेट है और ये मेन जेट है। स्क्रू ड्राइवर से इनको टाइट किया जा रहा है, जेट भी टाइट हो रहा है। अभी इसमें फ्लूट और न्यूट्रल वाल को साफ करना ज़रूरी होता है, इसकी वजह से गाड़ी ओवर करना शुरू हो जाती है। इसकी एक पिन होती है, पिन लगा दी, ये लॉक हो गया। ये इसका कप होता है जिसके अंदर पेट्रोल जो है ना जमा होता है, चार स्क्रू, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके चार स्क्रू होते हैं। ये इसको टाइट किया जा रहा है,
ऐड किया जाता है इसे, ताकि पेट्रोल की जो है ना लीकेज ना हो यहाँ से। ये मिक्सचर है पेट्रोल वाला, मिक्सचर है पेट्रोल वाला, जिससे पेट्रोल की जो ज़्यादा और कम करने का जो मिक्सचर होता है। ये एक्सीलेटर का मुकम्मल स्लाइड है, ये फिटिंग कार्बोरेटर की ऊपर एक्सीलेटर केबल है, इसके लॉक होते हैं। ये आपके सामने ये देख रहे हैं आप, कचरा से कचरा 70 में स्क्रू नहीं होते, 70 में जस्ट चूड़ी होती है और ऊपर उसका कवर होता है। 70 में भी 100 cc में भी काफ़ी गाड़ियों में जो है ना चूड़ी होती है उसकी, लेकिन इसका अलग से स्क्रू ड्राइवर होता है, यामा जिनोन यूरो 2। ये एक्सीलेटर केबल इसकी चोक सिस्टम हो गया, ये एक्सीलेटर केबल अभी ये आपके सामने है। इसमें भी हाँ जी, ये इसकी चोक है, चोक सिस्टम है ये इसका, 70 की और 100 cc की जो चोक अलग से होती है, इस उनकी केबल नहीं होती साथ में। ये टाइट हो रहा है सर जी, ये कार्बोरेटर फिट कर दिया, अभी इसके बोल्ट वगैरह वो टाइट करने हैं। अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, अभी इसमें मिसिंग भी नहीं है। ये एक्सीलेटर जो स्टार्ट कर रहे हैं तेज़ इसकी, अभी इसकी मिक्सचर की सेटिंग होगी, ये इसकी मिक्सचर की सेटिंग हो रही है पेट्रोल की, ये देख ले आप। बिल्कुल ही मिक्सचर की सेटिंग बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो गई है, और ये देख ले आप, ये बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो गई है आपके सामने, कोई मिसिंग नहीं है इनमें, कार्बोरेटर में कचरा आपके सामने था, आपको दिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए हाफिज़।